बॉलीवुड के पावर कपल अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती है। न्यासा देवगन की पार्टी की तस्वीरें खूब चर्चाएं बटोरती है। सोशल मीडिया पर भी न्यासा की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। हालांकि वो अपने लुक्स को लेकर अक्सर चर्चाओं का विषय बनी रहती है, लेकिन इस बार न्यासा की ट्रोलिंग की वजह कुछ और ही है। इस बार न्यासा के लुक को लेकर नहीं बल्कि उनकी हिंदी बोलने के अंदाज को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। हाल ही में न्यासा देवगन ग्रामीण अहमदनगर में वंचित छात्रों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। अजय देवगन के NYE फाउंडेशन ने एक ऐसे संगठन के साथ करार किया है जो पूरे देश में 200 से ज्यादा गाँवों में सक्रिय है, और इसी फाउंडेशन ने इन वंचित छात्रों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और इस दौरान निशा ने डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया। साथ ही जो स्टूडेंट्स से उनको किताबें और स्पोर्ट्स किट भी बांटी। इस दौरान निशा देवगन बच्चों के साथ ग्रुप फोटोज क्लिक करवाते हुए भी नजर आ रही है। निशा देवगन इस दौरान अपने हर बार के पार्टी लुक से अलग एक सिंपल सा येलो कलर का सूट पहने हुए नजर आई, और दुपट्टे के साथ उन्होंने अपने लुक को कम्प्लीट किया था। हालांकि जब वो इतने बड़े कार्यक्रम में गई तो उन्हें मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए कहा गया। उन्होंने माइक पकड़ा लेकिन यहाँ पर उनकी इंग्लिश काम नहीं आई और उन्हें हिंदी में स्पीच देनी थी जो कि उनसे नहीं हो पा रहा था। न्यासा ने बच्चों को शिक्षा और किताबों को पढ़ने का महत्व बताया, लेकिन इस दौरान वो टूटी फूटी हिंदी बोलते हुए नजर आ रही थी। वो काफ़ी कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी ढंग से बोल नहीं पा रही थी। अपनी मातृभाषा बोलते हुए निशा देवगन इतना अटक रही थी कि वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। न्यासा को उनकी स्पीच को लेकर काफ़ी ट्रोल किया गया। एक यूजर कमेंट करते हुए लिखते हैं, कितनी झूठी है ये दुनिया, प्यार के बलबूते प्यार पाते हैं और इंग्लिश में रट्टे मारकर हिंदी में स्पीच नहीं दे पाते हैं। हमको नहीं चाहिए ऐसे स्टार किड्स जिनको PR स्टंट्स करके लाइमलाइट में आना है। तो वही एक यूजर लिखते हैं, हिंदी भाषा भी रो रही है। तो वही एक अन्य यूजर ने लिखा है, भाई क्यों क्यों, इसको बस पार्टी करना आती है। जब से मैं बच्ची थी मुझे पढ़ना बहुत बहुत पसंद था। मेरी माँ को भी मुझे बहुत पढ़ना पसंद था। मैं हर दिन 2-3 किताब पढ़ती थी। तो आपको देख के जो मुझे इतना पसंद है, मुझे और भी खुशी है। और मुझे मन होता है कि आप कभी पढ़ना बंद मत करो क्योंकि आपके लिए इतना अच्छा होता है। तो दोस्तों, न्यासा के इस स्पीच के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।